गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ये क्लास क्यों चल क्यों नहीं रही है ऐसे? सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से। गुड इवनिंग सभी लोगों को, सभी लोग जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे, जल्दी से भैया शेयर कर दो, पहले जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सैटरडे को मैंने आ नहीं पाया था, ठीक है, किसी कारणवश से और जाना पड़ गया था। ऐसे ही हो सकता है कि अब कल तो 26 जनवरी है, अब मुझे नहीं पता कि कल क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, बट अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा पता नहीं चला है, तो देखते हैं। कल तो शायद मैं नहीं आ पाऊँगा, अगर होगी भी तो केतन सर ही क्लास कल भी लेंगे, क्योंकि कल मैं आ नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सर कमेंट दे दीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है, तो कल का कल देखा जाएगा कि कल आप लोगों की क्लास होगी कि नहीं होगी, लेकिन परसों तो क्लास होगी और परसों से मैं ही कंटिन्यू करूंगा। अगर कल होती भी है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, केतन सर ही लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और सैटरडे को तो आप लोग केतन सर से ही पढ़े, तो एक बार सभी लोग जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए बेटा, इतने कम लोगों में फिर क्लास चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आना तो सभी को है, एक मिनट कोई लेट आया, दो मिनट लेट आए, आएंगे तो सभी, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि अभी आ जाइए आप लोग। एक बार हर जगह शेयर कर दीजिए, जितने आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा या जो भी आप लोग का सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हैं, टेलीग्राम वगैरह, वहाँ पर शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है, ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। चलिए पहले क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लगा देता हूँ, तब तक आप लोग जितने लोग हैं उतने लोग सॉल्व करिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ये क्लास प्री के लिए है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए है, ये क्लास आपका ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, चाहे आप किसी भी जेई लेवल की या फिर ए लेवल की जो भी आप तैयारी करते हैं, इन सभी के लिए मोर देन एनफ है, ठीक है। तो यहां पे ये क्लास जेई और ए के लिए सफिशियंट है। हाँ, पेड कोर्स है आप लोगों का, पेड कोर्स भी है, पेड कोर्स आपकी चल रही है और पेड कोर्स है आप लोग की इतने की 1999 रुपए की, जिसमें आप लोग की SSC, JEE और UP SSSC, JEE, ये आप लोग का फुल सिलेबस होगा, चाहे इन दोनों का टेक प्लस नॉन टेक, दोनों का टेक और प्लस नॉन टेक, सारा का सारा चीजें कवर किया जाएगा इसमें, सब कुछ कवर है। दो कोर्स है इसमें एक्चुअली में, SSC JEE और UP SSSC JEE, जिसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं पे करना है, सब कुछ इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो GS हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंग्लिश हो, सारा का सारा इसमें आप लोगों का अवेलेबल है, ठीक है। 999 कर दो पैड को, बेटा 999 करने का क्या मतलब है यार, यहाँ पे सिर्फ ना SSC JEE रहता तो हम कर भी देते, सिर्फ SSC JEE रहता तो कर भी देते, यहाँ पे आपका कंप्यूटर भी है, ठीक है, उसके बाद से इंग्लिश भी है, उसके बाद से साइंस भी है, उसके बाद से आपका GS, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज यहाँ पे है बेटा, तो कैसे कर दे बताओ, आप बताओ कैसे पॉसिबल है, ये है पॉसिबल, आपको लगता है कि पॉसिबल है? खैर ठीक है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, इतना में ही हो पाएगा, ठीक है। चलिए शेयर किसी ने नहीं किया अभी तक, ठीक है। हाँ, विद नॉन टेक्निकल सब कुछ है इसमें, सारा कुछ है। देखिए यहाँ पे आप लोग के आंसर आ रहे हैं सी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन देखिए, स्टॉप जो साइन होता है आपको पता है कि ऑक्टागोनल होता है, कैसा होता है? ऑक्टागोनल होता है, कुछ इस तरीके का ये होता है, ऑक्टागोनल होता है, कैसा होता है? ऑक्टागोनल होता है, ठीक है, ऑक्टागोनल। तो आप लोगों से सिर्फ इसी से आंसर बन सकता था कि स्टॉप जो साइन होती है किस शेप का होता है, ऑक्टागोनल शेप का होता है।
तो ए का तो ऐसे ही 3 है, तो ऑप्शन आपका सी विल बी द करेक्ट। फिर भी देख लेते हैं गिव वे, गिव वे कहां पे दिया रहता है। देखिए गिव वे कहां पे दिया रहता है, ये भी आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि ये आप लोग का कोई रोड है, कुछ इस तरीके का रोड है, तो क्या होता है, मान लीजिए किसी आदमी को सिर्फ ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाना है, तो हम क्या करते हैं, या फिर किसी को आना है तो ऐसे ही आना है, तो क्या किया जाता है, वो ट्रैफिक में स्टॉक ना हो, रुक ना जाए, इसके लिए हम यहां से क्या करते हैं, गिव वे दे देते हैं, और यहां पे साइन दे देते हैं गिव वे का। वो साइन कैसा होता है, ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको, कैसे, ऐसे, और लिखा रहेगा गिव वे, ठीक है। मतलब आप इधर से जा सकते हैं इस रोड में, यहां पे आपको जाम में फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का इन्वर्टेड ट्रायंगल, क्या है, इन्वर्टेड ट्रायंगल विद अपेक्स पॉइंट इन डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है आप लोग का स्पीड लिमिट साइन, स्पीड लिमिट साइन कैसी होती है, तो स्पीड लाइन शेप कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पे आप लोग का जो भी रहता है स्पीड लिखा रहता है कि कितना स्पीड में चलना है, देखा होगा सभी लोग रोड पे जाते हुए, सब लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग का स्पीड लिमिट कहा हो जाएगा 1। वैसे ही आप लोग का वार्निंग साइंस, वार्निंग साइंस आप लोग का जैसे कि आप लोग जब जाते होंगे ना रोड वगैरह पे, तो कुछ इस तरीके का बना रहता है, और यहाँ पे आपको जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रेकर वगैरह है तो ऐसे साइन दिखाई लगेगा, तो वार्निंग साइन इसको बोलते हैं। तो ये कैसा होता है आप लोगों का, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, लेकिन एपेक्स क्या होता है, पॉइंट ऊपर की तरफ होता है। राइट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पे शो हो रहा है, और इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो तुक्का मत मारिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो प्लीज तुक्का मत मारिएगा, ठीक है, ठीक है। बत्तीस, कोई और 32 आंसर आने लगे। अच्छा जरा देखिए, यहाँ पे कई सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, कितना 32 इज द करेक्ट आंसर। किसको, पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट को कंसीडर करते हुए अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू बिल्कुल आप लोग का 32 यहाँ पे सही होगा। देखिए अगर मैं बात करूं रोड की, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेन इधर लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ लेन, ये याद रखिएगा आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, क्या किया जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद से रोड ए, मान लेते हैं दो रोड है, रोड तो दो ही होगा ना, रोड 1 और रोड 2, रोड 2, ठीक है। तो यहीं पे आप लोगों के सबके कॉन्फ्लिक्ट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ कितने कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए दो, अगर मान लीजिए रोड 1 या रोड 2, मान लीजिए नंबर ऑफ लेन क्या है, नंबर ऑफ लेन अगर यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ लेन यहाँ पे ए बोल देता हूँ, यहाँ पे बी बोल देता हूँ, ऐसे यहाँ पे ए और बी ही बोलिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों दो दो वे हैं, टू वे हैं, दोनों क्या हैं, टू वे, दोनों रोड क्या हैं, दो दो लेन की हैं, और यहाँ पे रोड ए टू वे है, क्या है, टू वे, इधर क्या है, इधर इसमें हम टू वे लिख देंगे, ये भी आपका टू वे है, उस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट कितना होता है, यहाँ पे होता है 24, कितना होता है 24, और इसके नीचे इसमें कितना होता है, अगर दोनों आप लोगों की यहाँ पे लिखे इसके सामने लिखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 24। और मान लीजिए ये लेन, ये ए वाला नंबर ऑफ लेन 2 है और इसकी नंबर ऑफ लेन 4 है, इस कंडीशन में ये होता है आप लोग का 32, कितना होता है 32। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग का दोनों 4-4 लेन के हैं, दोनों कितने हैं 4-4 लेन के हैं, तो इसके आंसर हो जाते हैं आप लोग के 24 नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यहीं पे मान लीजिए एक वन वे है और एक टू वे है, एक क्या है वन वे है, एक मान लीजिए वन वे है और एक आपकी टू वे है, क्या है, एक आपकी टू वे है, उस कंडीशन में ये वैल्यू कितनी हो जाती है 11, ये वैल्यू कितनी हो जाती है 11, मतलब दो दो लेन की होंगी, तो एक दो हो और एक चार हो, उस कंडीशन में होती है 17, उस कंडीशन में कितनी होती है 17, अगर दोनों 4-4 के हैं तो वो हो जाती है आप लोग की
25, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। उस कंडीशन में अगर दोनों वन वन वे है, दोनों वन वे है, दोनों वन वे है, उस कंडीशन में वैल्यू हो जाती है आप लोग की 6। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इंक्लूडिंग द पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट, उस कंडीशन में क्या होता है 32। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, दोनों बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से बेटा, यहाँ पे डायग्राम से क्या इसमें समझना चाहते हो आप बताओ, डायग्राम से क्या समझना चाहते हैं, फिर मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, 32 विद पेडेस्ट्रियन, 24 विदाउट पेडेस्ट्रियन, सही है, वही तो यहां पे लिखा हूं मैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन रिपीट क्या करूं इसमें, बताओगे तब तो रिपीट करूंगा कुछ है? चलिए डायग्राम से क्या समझना है यार, मान लो कि ये एक रोड आ रहा है और ये एक रोड जा रहा है, ठीक है, इसी में मान लीजिए दोनों टू वे हैं, दोनों क्या हैं, टू वे, टू लेन है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, इधर से गाड़ी जा सकती है इधर, ठीक है, सब लेफ्टी चलेंगे ना, इंडिया में लेफ्टी से पढ़िएगा, ठीक है, इंडिया और यूके में लेफ्ट होता है, यूएसए में चेंज हो जाता है, राइट हो जाता है, तो वैसे ही ये सब में आप लोग का ये इधर जाने की कोशिश करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट नंबर ऑफ ये पॉइंट जितना इंटरसेक्शन होते हैं वो आप लोगों के कहलाता है नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। चलिए सर कर लेना, अब ये बहुत एक अपने आप में क्लास है ना ये। चलिए यहां पे आंसर करिए, वार्निंग साइन कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। अरे भैया एक बात बताओ, स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट का काम क्या है, स्पीड लिमिट क्या करता है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो तो ये क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि मान लीजिए 80 km/h से ज्यादा नहीं चलना है, किससे ज्यादा नहीं चलना है, 80 km/h से, किलोमीटर पर आर से ज्यादा नहीं चलना है, ठीक है, ऐसे लिख दिया, नॉट ये इसके आगे प्रोहिबिटेड है, तो ये क्या है आप लोग को, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है रेगुलेटरी सिस्टम, क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी या मैंडेटरी, क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी या मैंडेटरी, तो आंसर होगा यहाँ पे सी, आंसर होगा यहाँ पे सी, रेगुलेटरी होता है बेटा, ये रेगुलेट करने के लिए चीजें होती हैं तो रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेटरी रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, सिंपल है यार, इसमें इतना समझने के लिए कुछ है नहीं, आज ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इफ द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल इज इन अ ट्रैफिक स्ट्रीम इज 50 meters, देन डेंसिटी, डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है, बताइए डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है। और हाँ, हाईवे से इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जेई वगैरह में, ठीक है, इवन एई में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो लोग एई वगैरह का पेपर दिए होंगे वो एई का तो कम ही आता है वैकेंसी, लेकिन जो लोग ऑब्जेक्टिव पेपर देते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। चलिए आंसर करिए, आंसर आने लगे 20, बहुत सरल है, यहीं पे आपसे कैपेसिटी भी पूछ सकता था, तो चलिए पहले हम लोग डेंसिटी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है, ये क्या निकल जाता है, 1000/s होता है, क्या होता है, 1000/s, और s क्या है आप लोग का, आप लोग की स्पेसिंग है, तो यहां पे हो जाएगा ये 1000/50, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 ये हो जाएगा 20, तो आंसर हो जाएगा आप लोग का 20, क्या हो जाएगा, 20 व्हीकल पर किलोमीटर, क्या हो जाएगा, व्हीकल, व्हीकल पर किलोमीटर। अब यहीं से आप लोगों से क्या पूछा जा सकता था, कैपेसिटी भी पूछा जा सकता था, क्या पूछा जा सकता था, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी दिया रहता तो काम बन जाता, क्या हो जाता, डेंसिटी इंटू का वेलोसिटी, के इंटू का वी होता है, पता ही होगा के इंटू का वी, तो यहाँ पे लगा देते तो आपका ये भी निकल जाता, ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोनों को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, राइट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए सभी लोग, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, देखिए ऐसा ही है ये क्वेश्चन, आंसर देखते हैं कितने लोग का सही आता है और कितने लोग का गलत। चलिए बताइए, यूपीपीसीएल ए का क्वेश्चन कराओ सर जी, बिल्कुल बेटा यूपीपीसीएल के क्वेश्चन इसमें है, यूपीपीसीएल के क्वेश्चन इसमें है, आप लोग क्लास को शेयर किया करिए, ठीक है, क्लास को आप लोग जब शेयर करोगे एक बार, अगर अपने सोशल मीडिया पे कुछ दिनों की बात है अगर शेयर कर देंगे, जब आप लोग के दोस्त मित्रों को पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे भी क्लास हो चलने स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा माहौल सही हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग की मेहनत की जरूरत है, बाकी तो आपकी ही मर्जी।
चलिए कुछ लोग के आंसर आने भी लगे, सरल क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके गेट तक में पूछे गए हैं, है तो बहुत ही सरल, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग की क्यू मैक्स या कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, याद रखिएगा जब भी यहाँ पे फ्री मीन वेलोसिटी दिया हो, मतलब फ्री मीन वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी व्हीकल पर किलोमीटर, ये क्या है, जैम डेंसिटी है, क्या है, जैम डेंसिटी, एक मिनट, आप लोगों की जैम डेंसिटी यहाँ पे दे रखा है 100, तो ये क्या दे रखा है, के जे, ये जब दो, ये जब दो चीजें दी रहती हैं तो उस कंडीशन में आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है वी एफ इंटू का के जे डिवाइड बाई का 4। ये आप लोग का डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में जहन में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और यहाँ पे के जे हो जाएगा आप लोग का 100 डिवाइड बाई हो जाएगा आप लोग का 4, आप इसको कट करोगे 25, आप लोग को पता है 25 और इसमें 25 छके हो जाएगा 625 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा 15, लगा हाथ में 1 7 18, इतना राइट आंसर होगा। यहाँ पे आंसर जो है वो है बी, आंसर जो यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं, क्या होगा आप लोग का आंसर, जरा इसके बारे में मुझे बताइए, जल्दी से बताएंगे मुझे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखे हुए जरूर होंगे, क्योंकि हाईवे में, हाईवे से ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं अराइज हो पाता है क्योंकि क्वेश्चंस की जो है वो बहुत ही कम अमाउंट है, या तो क्वेश्चन बने तो ऐसा बनेगा फिर लगेगा ही नहीं, वो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि बिना कैलकुलेटर के वो लगेंगे ही नहीं, ठीक है, या तो बनेंगे बिना कैलकुलेटर वाले तो आसान आसान ही बन जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये मत परेशान हो जाएगा कि आसान आसान, ऐसे ही पेपर ही आते हैं, ठीक है। चलिए आंसर आने लगे आप लोग के बी, कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं बी, बहुत सरल है, देखिए 38th हाईएस्ट हॉर्ली वॉल्यूम मींस एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक एक्सीडेड, क्या होता है ये हम मान के चलते हैं कि एक साल में 19 बार जो भी हम डिजाइन किए हैं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही आप लोगों से कह रहा है, तो आंसर क्या है आप लोग का बी, बी इज द राइट आंसर, इसी को बुलाता है 38th हाईएस्ट हार्ली वॉल्यूम, राइट आंसर इज बी 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल वन लाइनर है, बिल्कुल वन लाइनर है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो छूट जाएगा, मटेरियल से है, हाईवे मटेरियल से ये है, ठीक है, आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है ये। चलिए कुछ लोग के सी आ रहे हैं, कुछ लोग के ए आ रहे हैं, अरे बेटा 30 इज द करेक्ट आंसर, 30 होगा ना, 30 लक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ये आप लोगों का क्या है, कोडल प्रोविजन है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, ठीक है, आता है तो नहीं आता है तो ठीक है, हो जाएंगे, एकदम सही होंगे, नहीं आएगा तो आप लोग जल्दीबाजी में क्या होता है कि चलो यार तुक्का मार देते हैं क्या हो जाएगा, लेकिन होता ये है कि वहीं पे आपसे गड़बड़ी होती है, और एग्जामिनर इसीलिए देता है ताकि आप वहां पे गड़बड़ी करें इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग इंजीनियर हैं, ठीक है, क्या है हम लोग, अरे केतन सर को बुलाओ, क्या भाई केतन सर यहीं पे हैं, बुलाना कहाँ से है, मैं तो खुद कह रहा हूं केतन सर आप ही थोड़ा सा आ जाइए, ठीक है, ये सर आ ही नहीं रहे, हमें को परेशान किए हुए हैं चलिए आज भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, आज आने लायक बिल्कुल भी मतलब है नहीं, आज क्लास कैसे ले रहा हूँ ये आप लोग को देख के लग रहा होगा, थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, एक तो आप आए नहीं और दूसरी बात एनर्जी डाउन है, ठीक है सर, एकदम दर्द से फट रहा है,
चलिए आंसर करिए इसका, आंसर करिए यहां पे बेटा। लक्स क्या होता है आप लोग का? यूनिट होता है, ठीक है। चलिए यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमोंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ द सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट अगर करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि टोपोग्राफी क्या है। तो सबसे पहले हम जो सर्वे परफॉर्म करते हैं वो टोपोग्राफिक सर्वे परफॉर्म करते हैं। भैया हमें टोपोग्राफी होगा तभी तो कुछ पता लगेगा कि कहाँ पे है वो। उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसके बाद से परफॉर्म किया जाता है, मैप को स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है? मैप को स्टडी। मैप रहेगा तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद से मैप स्टडी किया जाता है। अरे यार क्या हो रहा है गले में। उसके बाद से क्या किया जाता है? मैप स्टडी किया जाता है। क्या कहता है? मैप स्टडी। अरे यार गले में पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद से रिकॉग्नाइज, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं कि कहां पे क्या चीजें रखनी है, क्या करना है। उसके बाद से आता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे। क्या आता है? प्रिलिमिनरी सर्वे। उसके बाद से आता है आप लोग का, जब ये सर्वे हम परफॉर्म कर लेते हैं तो तब उसके बाद हम करते हैं डिटेल्ड सर्वे। क्या करते हैं? डिटेल्ड सर्वे। उसके बाद से क्या करेंगे? डिटेल्ड सर्वे किया जाता है। और जब फाइनल सर्वे हो जाता है तब हम अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं? तब हम लोग अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं फाइनली। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन होती है हमारी रोड की। क्या होती है? कंस्ट्रक्शन होती है हमारी रोड की। तो मिला लीजिए कौन सा सबसे पहले? टोपोग्राफी, बिल्कुल सही। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। प्रिलिमिनरी रिकॉग्नाइजेशन गलत हो गया। उसके बाद से ये यहां पे होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, ये ऐसे ही गलत हो गया। आंसर है आप लोग का ए। आंसर है यहां पे ए। राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बताएंगे क्या आंसर है यहां पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। गुड इवनिंग। चलिए भाई अब जितने लोग हैं उतने लोग को पढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द डिटेल सर्वे ऑफ, जो आप लोगों की डिटेल स्टडी होती है, किसी भी प्रोजेक्ट मिलता है आपको तो कौन सी डिटेल सर्वे होगी बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को रोड बनाना है, क्वेश्चन द्वारा समझेंगे, जनरल भाषा में ये कहना चाह रहा है अगर आपको रोड बनाना है तो हम किसको फैक्टर मानेंगे और किधर से आप अलाइन करेंगे रोड को, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पागल होगा लोग क्या यहाँ पे कह रहा है इकोनॉमिक्स, ओ रुक जा भैया, यहाँ पे कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द प्रपोज रोड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द डिटेल सर्वे ऑफ। अरे भैया इकोनॉमी के लिए जब हम रोड बना रहे हैं तो कहां से गुजारेंगे, नहीं पढ़े हो क्या? जैसे कि मान लो ये ए सिटी है, इसको जरा समझ लो जिनको जिनको डाउट है, और मान लो ये आपकी बी सिटी है। ए से बी के बीच में ऐसा तो नहीं है कि हम क्या करें एकदम शॉर्टेड रूट ले लें, ये नहीं होता है। हम देखेंगे किसके बीच बीच में, अरे भाई साहब रोड किसके लिए बना रहे हो? पब्लिक के लिए तो बनाया जा रहा है, किसके लिए बना रहे हैं? पब्लिक के लिए। पब्लिक क्या देगा हमें भाई साहब? पब्लिक जाएगा ना एक दूसरे जगह पे तो पैसा मिलेगा, उसे हमारी इकोनॉमी चलती है। तो रोड बनाया ही क्यों जाता है? रोड, रेलवे, आप लोग थोड़ा सा अंग्रेजों के जमाने के लिए बात करोगे तो अंग्रेज रेलवे कहां से कहां तक दौड़ाते थे, जहां से उनको भैया हमारा सामान ला सके और ले जा सके, इसीलिए तो रेलवे आया था। ऐसे ही रोड भी था। रोडवे भी आज के डेट में भी हम इंडस्ट्री को ज्यादा महत्वता देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वहां से हमारी इकोनॉमी चल रही है। उसके बाद से दिया जाता है एग्रीकल्चर को, कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया गया होगा। आंसर यहां पे डी होगा। जितने लोग आंसर ए कह रहे हैं बी, अरे भैया साहब इकोनॉमिक सर्वे ये सब सॉइल का क्या करोगे लेके? ये सॉइल तुम्हें पैसा दे रही है? यह सॉइल चढ़ के जाएगा ट्रेन पे? यह सॉइल चढ़ के जाएगा आपके बस पे? थोड़ा सा तो बुद्धि का इंतजार लगाइए, थोड़ा बहुत तो बुद्धि का परिचय दीजिए अपना। जब आपको इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है,
ये थोड़ा नहीं कह रहा है कि आप लोग का स्ट्रक्चरल सर्वे पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल सर्वे रहता तो इन सभी सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आप लोग का डी, एग्रीकल्चर एंड आप लोग का एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। इसमें भी इन दोनों में से भी अगर आपसे पूछ ले कि किसको ज्यादा महत्वता दी जाती है तो इंडस्ट्रियल को दी जाती है, उसके बाद से एग्रीकल्चर को दिया जाता है। ठीक है सर, तो भी मतलब क्या कह रहे हैं अरे यार पता नहीं गले में मेरे क्या दिक्कत होती है, रह रह के कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत होता है भाई। किसी को कोई दवा ववा पता हो तो मुझे बताओ यार, नहीं तुम लोग से दवा पूछ लो ना तो तुम ऐसा बताओगे ना, खुद ही ऐसा डॉक्टर बन जाएंगे ये पूछो ही मत। जल्दी भाई बताइए अरे तुम्हें बी कैसे लग रहा है यार, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एस्टिमेटेड रिवेन्यू। अरे सिर्फ इसी से काम नहीं चल जाएगा ना यार, आदमी को भी तो लेके जाना है तुमको वहां पे। मान लो कोई गांव है, मान लो आप रोड बना रहे हो और कोई यहाँ पे पब्लिक है, मान लेते कोई रिवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ के आदमी को भी तो लेके जाना है तुमको, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर सभी में देखोगे तो आपका डी ही सही होगा ना बेटा, ठीक है। ये क्या पूछ रहा भाई, स्कीड वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। When the part travel along the road surface is more than circumferential movement, तो इसे क्या कहेंगे, स्कीड कहेंगे, स्लिप कहेंगे। देखो या तो स्कीड होगा या तो स्लिप होगा, स्कीड या स्लिप कौन सा होगा इसमें। तो देखिए मान लो, जरा सोचते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए मान लो ये आपका ये जो मूवमेंट हुआ यहां से, ये जो सर्कमफरेंशियल मूवमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंशियल मूवमेंट। और मान लो ये है और ऐसे ये जब चलेगा तो एक सर्कमफरेंस जितना चलेगा, ठीक है, इसको इतना चलनी चाहिए। लेकिन जब हम ट्रेवल कर रहा है ये, तो कह रहा है कि जो ये ट्रेवलिंग की गई है ये इसके सर्कमफरेंस से ज्यादा है, मतलब क्या हुई होगी, स्कीड हुई होगी, क्या हुई होगी, स्कीड हुई होगी, ठीक है। देन राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, बी होगा, क्लियर है, बी होगा, स्कीड होगा भैया, स्कीड होगा, ठीक है। स्लिप होगा, स्लिप का क्या मतलब है कि टायर स्लिप हो गया, नहीं कहते टायर स्लिप हो गया, देखे वो यहाँ पे एकदम सट से वो हो जाता है, ज्यादातर मिट्टी में चलाने पे ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सर्कमफरेंस ज्यादा होता है ट्रेवल से। चलिए नेक्स्ट वन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा है, जेई के लेवल से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बताए भाई, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है। देखिए e प्लस का f इक्वल टू होता है v स्क्वायर डिवाइड बाई 127 r, यही होता है जब यहां पे किसकी बात करता है, एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करता है तब, ठीक है। तो r मिनिमम कितना हो जाएगा, यहां पे आर मिनिमम हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई e प्लस का f। अब देखिए ये मिनिमम से मिनिमम कब हो सकता है, जब इनकी दोनों की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, तो मैक्सिमम वैल्यू e की कितनी हो सकती है, ये होती है 7% और f की वैल्यू तो कांस्टेंट है 0.15, सभी को पता है ये वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 127 का मल्टीप्लीकेशन नहीं किया मैंने, ठीक है। तो हो जाएगा v स्क्वायर इंटू का ये हो जाएगा 0.07 प्लस का 0.15 इंटू का 127। इसको क्या करना है आपको, सिंपल कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का v स्क्वायर डिवाइड बाई 27 पॉइंट समथिंग आता है, मुझे वैल्यू नहीं याद आ रही है कि कितना आता है, ठीक है। आंसर कितना होगा आप लोग का, आंसर ए होगा। एक बार करके देखना है वैल्यू कितनी आ रही है, 27 समथिंग आती है, ठीक है। वैसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, 0.07 प्लस का 0.22 इंटू का 127, ये वैल्यू 94 आ रहा है, कितना आ रहा है 94। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी वैल्यू, राइट आंसर होगा ए, ठीक है। बोतल चेंज कर दिए सर, अरे बेटा बोतल मेरी नहीं है, मेरी स्टील की बोतल है,
मैं स्टील की बोतल में ही पानी पीता हूँ, अभी तो गला खराब हो रहा था, अपनी बोतल भूल गया था तो मंगाना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन बता भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड अलोंग द कर्व विथ, कैसे करें? तो क्या करें हम लोग, 90 डिग्री पे पार्क करें। क्या करें, मान लो ये आपकी मान लो ये पार्किंग दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे हम पार्किंग बना दें, एक गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि आपकी स्पेसिंग कम बचती है, जिसके कारण मैक्सिमम गाड़ी पार्क हो पाती है। कुछ लोग का आंसर, अगर 90 डिग्री को छोड़ के कोई एंगल बना ले, तो मान लो हमने ये एंगल बनाया, तो आप जरा सोचिए इसमें ज़्यादा गाड़ी पार्क होंगी कि इसमें ज़्यादा गाड़ी पार्क होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जनरल सा क्वेश्चन है, ये आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। भैया 45 डिग्री पे नहीं होता है, 45 डिग्री पे कैसे हो जाएगा, जरा खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ ना कि क्या मैं सही, आप सही बोल रहे हो क्या, आप जो बोल रहे हैं क्या वो सही है। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग जल्दी से फटाक से, इसका आंसर सभी लोग जल्दी से और फटाक से बताएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्या पूछा जा रहा है, कैपेसिटी ऑफ द फोर लेन डिवाइडेड रूल हाईवे, फोर लेन डिवाइडेड हाईवे है, उसमें आप लोग की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी। वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल वन लाइनर है, पहले बता रहा हूँ वन लाइनर है, ये आता है तो आ जाएगा, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आएगा, दो ही चीज होगा। आंसर कह रहे हो बी, कुछ लोग के आंसर डी, बी और डी में फाइटें हैं, लड़ाई झगड़ा कर लिए इसी में आप लोग। चलो भाई देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मुझे लिखने से ज़्यादा बेहतर लगा कि काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको हम ले ही लेते हैं पीडीएफ, इसका पिक ही ले लेते हैं, तो पिक लेना ज़्यादा बेहतर है। आई होप कि आपको विजुअल होगा, नहीं विजुअल होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ रोड, टाइप ऑफ रोड, अगर आपका सिंगल लेन विथ 3.75 मीटर वाइड कैरीवेज है और नॉर्मल अर्देन शोल्डर है, उस कंडीशन में 1000 क्या होता है, पीसीयू होता है, क्या होता है, 1000 पीसीयू, ठीक है, सभी को पता होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1000, ये पूछ नहीं रहा है। वैसे अगला है सिंगल लेन, ये सब कुछ सेम हो लेकिन जो शोल्डर है वो क्या है, हार्ड हो, क्या है, हार्ड हो, और उसकी जो साइज है 1 मीटर तक हो, कितनी हो, 1 मीटर तक हो, उस कंडीशन में इसका 2.5 गुना होता है, किसका, इसका 2.5 गुना हो जाता है, मतलब लगभग 250, ठीक है, 250 कह रहे हैं, 2500। अगला है आप लोग का रोड विथ इंटरमीडिएट्स लेन विथ 5.5 मीटर, आपको पता ही है 5.5 मीटर होता है, और इसमें भी नॉर्मल शोल्डर के साथ उसमें होता है इसका 2 गुना, 5000। उसके बाद से आता है टू लेन, 7 मीटर कैरीवेज है और आपकी अर्देन शोल्डर है, उस कंडीशन पे होता है आप लोग का 10000, कितना होता है, 10000। अगर आपकी फोर लेन है, डिवाइडेड हाईवे है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड एक्सेस कंट्रोल, उसमें होता है आप लोग का 20000 से लेके कितना, 20000 से लेके 30000 तक, कितना होता है, 20000 से लेके 30000 तक। यहाँ पे आप लोगों से कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम वाला कितना आंसर हो जाएगा, 30000, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अरे बेटा बिल्कुल दिख रहा है, कैसी बात कर रहे हो यार, चलो पीडीएफ में दे दूंगा तो पीडीएफ में तो दिखेगा ही। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक भी करते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ, मेरे सामने भी तो दिख रहा है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, किसी को किसी क्वेश्चन में भी अगर डाउट आ रहा हो तो मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए आंसर करिए। एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस IRC कब हुआ था, 1934 में है ना, दी पैसेंजर कार यूनिट CAPCU वैल्यू फॉर द मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, किसके लिए पूछ रहा है, मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए बताइए PCU कितनी होती है। चलिए बताइए मुझे,
कितना आंसर होगा? तो जिनको आंसर पता है ठीक है, जिनको आंसर नहीं पता है वो देख लें भाई कितना आंसर होगा। इसका आंसर यहां से आप लोग इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को है, और यहाँ पे इक्वेंट्री मतलब कि सीपीयू दे रखा है कि कितना होता है। देखिए पैसेंजर कार या टेम्पो वगैरह या आप लोग का ऑटो रिक्शा जो होता है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर होते हैं, उनके लिए एक होता है। कितना होता है? एक होता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। बस या ट्रक के लिए भी कई बार पूछा गया है, इसके लिए तीन होता है, एसएससी जेई में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद से मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, या फिर पेडल साइकिल जो हम लोग पैरों से ऐसे चलाते हैं ना वो वाला, इसका होता है 0.5 और पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5। उसके बाद से साइकिल रिक्शा देखे होगे, जो साइकिल वाला जो रिक्शा होता है उसके लिए 1.5। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आपके कई सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाए। इसके लिए 4 होता है। कई लोग को लगता है कि जो हॉर्स ड्रॉन व्हीकल है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर में आएगा और एक करके चले आते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। 4 होता है इसके लिए। स्मॉल बुलकॉट, बुलकॉट मतलब देखे होंगे जो वो गांव पे जो बैल नहीं खींच के लेके जाते हैं उसको बोला जाता है, या फिर हैंड कार्ट, इसके लिए होता है 6। लार्ज बुलकॉट के लिए होता है 8। ये भी आप लोगों से पूछा गया है सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आप लोगों का, चलिए थोड़ा सा डिजाइनिंग न्यूमेरिकल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी जरूरी है। चलिए न्यूमेरिकल के लिए इधर, चलिए भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों की टेकपुर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, कहाँ मिलेगा? टेकपुर ऑफिशियल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। सर 6-7 लेक्चर भी प्लेलिस्ट में अपडेट करा देना, अभी नहीं हुआ है, करवा दूंगा, फिर बोलना पड़ेगा। चलिए आंसर करिए भाई, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है आज के, ठीक है। आज के क्वेश्चन तो कम से कम गलत मत करना यार। वेवेस्टर मेथड, वेवेस्टर मेथड से पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, वेवेस्टर मेथड से क्या होता है? तो टोटल लॉस कितना होता है, सभी को पता होगा, आई होप कि सभी को पता होगा, कितना होता है? 2N प्लस का R। अब यहाँ पे R क्या दे रखा है? तो जो आप लोग की क्रॉसिंग की होती है, ठीक है, ऑल रेड, इसको बोलाता है R फॉर ऑल रेड, ये क्या है? ऑल रेड है। और N क्या है? N क्या है आप लोग का? नंबर ऑफ लेन है, क्या है? नंबर ऑफ लेन। चलिए क्या हो जाएगा? 2 × नंबर ऑफ लेन कितना है? 2 फेज है, तो चलिए आंसर हो जाएगा 2। प्लस का आर कितना है? तो 15 है, तो कितना हो जाएगा? 19 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 19 सेकेंड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, गेट वगैरह में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, ठीक है। राइट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट वन, ऐसी पे एक क्वेश्चन और, वेबस्टर पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, गेट वगैरह में भी कई बार पूछा गया है, और ESC और JEE वगैरह में तो पूछते रहता है, ठीक है, JEE में तो कई बार। चलिए आंसर करिए यहाँ पे, यहां से आपसे क्या पूछ रहा है? यहां से पूछ रहा है ऑप्टिमम साइकिल टाइम, तो C0 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? C0। और व्हाट इज द C0? C0 का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो ये होता है 1.5L प्लस का होता है आप लोग का 5। क्या होता है? 5 डिवाइड बाई 1 माइनस का y। बस आपको क्या है? टोटल लॉस आप लोग का दे रखा है। क्या दे रखा है? टोटल लॉस दे रखा है 16। L की वैल्यू दे रखी है 16 सेकेंड। अब एक बात बताइए, आपको क्या पता करना है? y पता करना है। तो जब y आप लोग को पता है, तो आप लोग को सब कुछ पता है कि आप लोग का क्या है, ये होता है आप लोग का q डिवाइड बाई c। क्या होता है? या q डिवाइड बाई s बोलते हैं इसको हम लोग जनरली, q डिवाइड बाई s। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर देते हैं। तो y की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी। कितने दे रखे हैं? रिस्पेक्टली 500 और 300, दो दे रखा है, और कॉरेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन फ्लो कितना दे रखा है? 1600 ईच। तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए और नीचे वाले को ऐसे ही रखिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1600 प्लस का 500 प्लस का 300।
ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा आप लोग का 1/2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना ही पूछ लेगा आप लोगों से। तो 1.5 इंटू का 16 प्लस का 5 डिवाइड बाई 1 - 1/2, ये कितना हो जाएगा? 16 का 32 और 24 हो जाएगा, 24 5 कितना हो जाएगा? 29। तो ये हो जाएगा आप लोग का 29 बट्टे 1 में से ये 2 और 1, 1/2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 58 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्टिमम टाइम आ रहा है कितना? ऑप्टिमम साइकिल टाइम 58 सेकेंड। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर विल बी बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए इसका आंसर बताइए। सरल है क्वेश्चन, कह रहा है आप लोगों से हाइवे ज्योमेट्रिक्स द डिजाइन फॉर हाइड्रो ज्योमेट्रिक जो होता है वो डिजाइन किसके लिए किया जाता है, ये आप लोगों से सरल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या किया जाता है, जो आप लोग का सर्वे डेटा देता है उसके हिसाब से जो 98th percentile होता है, ठीक है, उसको पे हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिजाइनिंग के लिए कंसीडर किया जाता है, 2% को हम कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद से जो 15th होता है परसेंटाइल, इसको हम लोग लोअर स्पीड के लिए रखते हैं। किसके लिए? लोअर स्पीड के लिए रखा जाता है। उसके बाद से आता है 85th, क्या इसको क्या बोलते हैं? अपर स्पीड लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर स्पीड लिमिट। डिजाइन किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट वन। किसी क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप लोग बेझिझक पूछ लेना। क्या करना? बेझिझक आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका कितना लोग का आंसर आता है, ये मुझे देखना है। चलिए आंसर बताइए। हाँ, अपर सेप बोलिए उसको, क्या बोलते हैं? अपर सेप, और नीचे वाले 15% को लोअर सेप। इससे कम चलाओगे तो पीछे से आगे कोई ठोक देगा, और 85% से परसेंटाइल से ज्यादा चलाओगे तो आप किसी को ठोक दोगे, ठीक है? तो उसी के बीच में आपको चलाना चाहिए। व्हीकल डैमेज फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्हीकल डैमेज फैक्टर। चलिए बताइए भैया, व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है? व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? तो सभी को पता है फॉर्मूला, तो सभी को लोगों को पता होगा। क्या होगा? V1 W1 डिवाइड बाई WS की पावर 4 प्लस का V2 W2 डिवाइड बाई WS की पावर 4 --, ऐसे आता रहेगा आगे, डिवाइड बाई V, सारे वेलोसिटी को ऐड कर दो, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक ही दे रखा है, क्या दे रखा है? टू एक्सियल टाइप, तो यहाँ पे एक ही दे रखा है, तो आपका सिर्फ एक ही V आएगा, तो V से V कट जाएगा, सारे एक ही वेलोसिटी है, तो ये जाएगा V1 ब्रैकेट में 118 बट्टे। VS कितना दे रखा है? कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है? 80। कितना दे रखा है? 80 की पावर 4 डिवाइड बाई V1। V1 से V1 यहाँ पे कट जाएगा, आप लोग का जो आंसर आएगा ये 80/4 आएगा। ये वैल्यू करोगे 1 point something आता है, इसको पावर 4 करोगे 4.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। चलिए आंसर करिए इसका। बॉटम मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, बॉटम मोस्ट क्या हो जाएगा बताइए? सबसे जो निचला परत होता है हाईवे में वो कौन सा होता है? सबसे निचली जो परत होती है कौन सी होती है? सभी को पता है सबसे ऊपर क्या होता है हमारा? सरफेस होता है। क्या होता है? सरफेस, जिसे हम बोलते हैं सरफेस कोर्स। क्या बोलते हैं? सरफेस कोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस कोर्स बोलते हैं। उसके नीचे होता है बेस। उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे होता है बेस कोर्स। क्या होता है? बेस कोर्स होता है। जस्ट उसके नीचे क्या होता है? सब बेस होता है। जस्ट उसके नीचे क्या होता है? सब बेस कोर्स होता है। क्या होता है? सब बेस कोर्स। और इसके नीचे आपकी धरती होती है, इसको बोलते हैं सॉइल सब ग्रेड। क्या बोलते हैं? सॉइल सब ग्रेड। बेटा ये भले से छोटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन UPSC A में भी आया था, ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कुछ इसी तरीके का आया था, एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये ऐसे ही आया था, आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, फाइनली सभी लोग इसका आंसर करेंगे, उसके बाद से मिलेंगे आप लोगों से परसों, कल नहीं होगी क्लास ये, ठीक है, कल होगी भी तो केतन सर लेंगे अगर होती है तो, अदरवाइज मैं कल नहीं क्लास लूंगा ये, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही यार, सर भारी भारी सा लग रहा है। चलिए तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर किया करिए, ठीक है, बस कुछ दिन में ये जब फ्रिक्वेंट हो जाएगा क्लास, डेली जब चलने लग जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगा। चलिए चलिए इसका आंसर क्या होगा, डॉवेल बार। जब हम क्या देखे होंगे, जैसे कंक्रीट की जो रोड बनती हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेसवे वगैरह में आपको जनरली देखने को मिल जाएगा, उसमें डॉवेल बार कैसा होता है, मान लीजिए ये पेमेंट है, ये क्या आप लोग का पेमेंट है, तो पेमेंट एक ही कंक्रीट की पूरी स्लैब थोड़े नहीं डालते हैं, तो कई जगह स्लैब हम लोग तोड़ तोड़ के डालते हैं, तो मान लीजिए ये हमारी स्लैब यहाँ पे खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक सरिया यूज करते हैं, क्या करते हैं, सरिया यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉवेल बार, क्या बोलते हैं, डॉवेल बार। ताकि ये क्यों यूज किया जाता है, ताकि जब इस पे पहिया पड़े तो ऐसा ना हो कि ये खूब ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाए, फिर इस पे जाए तो पहिया कट जाएगा, तो इसलिए इसको लगा देते हैं ताकि डिफ्लेक्शन दोनों में हल्का हल्का है और पहिया आपकी स्मूथली यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो इसको हम कहाँ यूज कर रहे हो, इस डॉवेल बार को कहाँ यूज कर रहे हो, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ठीक बेटा, कल कल बता दूंगा, आप कमेंट कर देना कि आपको क्या समझना है, कल कल नहीं मतलब परसों जो भी होगा मैं बता दूंगा, आज बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहीं तक क्लास को रखते हैं, बाकी मिलेंगे आप लोगों से परसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।